मेरठ में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक बच्चे की जान जाते जाते बच गई। जब एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया और करीब एक घंटे तक बच्चा लिफ्ट का अलार्म बजाता रहा और खुद को बचाने के लिए चीखता रहा। बाद में करीब एक घंटे के बाद एक शख्स ने बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे को बाहर निकलवाया। लेकिन इस घटना ने बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लिफ्ट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दो गेट होते हैं लिफ्ट में, एक ये वाला, एक इसका अंदर होता है। तो अंदर वाला खुला हुआ था इसका, तो थोड़ा सा गेट, तो उसके पार्ट्स दिख रहे थे आगे से, तो उसमें थोड़ा सा मैं सोचा कि इसे बंद कर दे तो चल जाएगी। जैसे बंद करता तो कभी ऊपर जाते लिफ्ट, फिर एकदम नीचे आते लिफ्ट। जैसे अगर वो गेट बंद करता फिर जहाँ छोड़ता वहाँ अटक जाती थी, एकदम झटका से रुकती थी। फिर वो गिफ्ट तब भी खुल जाता था पूरा। फिर ऐसे हुआ बहुत देर तक, मैंने एक अलार्म होता है वो बजाया और एक कॉल का होता है वो बजाया, बहुत देर तक बजता रहा। किसी ने शायद से ध्यान नहीं दिया या बाहर तक बजानी इतना नहीं पता। पर एक बाद में एक दीदी आई लास्ट में, उन्होंने फोन सुना, उन्होंने फिर हेल्प करी थी मेरी जब मैं एक घंटे तक उसमें रहा था। मैंने दीदी से बोला, दीदी आप लिफ्ट रिस्टार्ट करवाओ। मेरठ में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक बच्चे की जान जाते जाते बच गई। जब एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया और करीब एक घंटे तक बच्चा लिफ्ट का अलार्म बजाता रहा और खुद को बचाने के लिए चीखता रहा। बाद में करीब एक घंटे के बाद एक शख्स ने बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे को बाहर निकलवाया। लेकिन इस घटना ने बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लिफ्ट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दो गेट होते हैं लिफ्ट में, एक ये वाला, एक इसके अंदर होता है। तो अंदर वाला खुला हुआ था इसका, तो थोड़ा सा गेट, तो उसके पार्ट्स दिख रहे थे आगे से, तो उसमें थोड़ा सा मैं सोचा कि इसे बंद कर दे तो चल जाएगी। जैसे बंद करता तो कभी ऊपर जाते लिफ्ट, फिर एकदम नीचे आते लिफ्ट। जैसे अगर वो गेट बंद करता फिर जहाँ छोड़ता वहाँ अटक जाती थी, एकदम झटका से रुकती थी। फिर वो गिफ्ट तब भी खुल जाता था पूरा। फिर ऐसे हुआ बहुत देर तक, मैंने एक अलार्म होता है वो बजाया और एक कॉल का होता है वो बजाया, बहुत देर तक बजता रहा। किसी ने शायद से ध्यान नहीं दिया या बाहर तक बजानी इतना नहीं पता। पर एक बाद में एक दीदी आई लास्ट में, उन्होंने फ़ोन सुना, उन्होंने फिर हेल्प करी थी मेरी जब मैं एक घंटे तक उसमें रहा था। मैंने दीदी से बोला, दीदी आप लिफ्ट रिस्टार्ट करवाओ। मेरठ में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक बच्चे की जान जाते जाते बच गई। जब एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया और करीब एक घंटे तक बच्चा लिफ्ट का अलार्म बजाता रहा और खुद को बचाने के लिए चीखता रहा। बाद में करीब एक घंटे के बाद एक शख्स ने बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे को बाहर निकलवाया। लेकिन इस घटना ने बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लिफ्ट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दो गेट होते हैं लिफ्ट में, एक ये वाला, एक इसके अंदर होता है। तो अंदर वाला खुला हुआ था इसका, तो थोड़ा सा गेट, तो उसके पार्ट्स दिख रहे थे आगे से, तो उसमें थोड़ा सा मैं सोचा कि इसे बंद कर दे तो चल जाएगी। जैसे बंद करता तो कभी ऊपर जाते लिफ्ट, फिर एकदम नीचे आते लिफ्ट। जैसे अगर वो गेट बंद करता फिर जहाँ छोड़ता वहाँ अटक जाती थी, एकदम झटका से रुकती थी। फिर वो गिफ्ट तब भी खुल जाता था पूरा। फिर ऐसे हुआ बहुत देर तक, मैंने एक अलार्म होता है वो बजाया और एक कॉल का होता है वो बजाया, बहुत देर तक बजता रहा। किसी ने शायद से ध्यान नहीं दिया या बाहर तक बजानी इतना नहीं पता। पर एक बाद में एक दीदी आई लास्ट में, उन्होंने फ़ोन सुना, उन्होंने फिर हेल्प करी थी मेरी जब मैं एक घंटे तक उसमें रहा था। मैंने दीदी से बोला, दीदी आप लिफ्ट रिस्टार्ट करवाओ।